संभाल को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र दुर्गापुर सुखासन वैशा गोविंदपुर मोहना चांदपुर बिशनपुर काननगर दक्षिणी भंडरातल पूर्व बाड़ी नगर पंचायत का दौरा कर बाढ़ पीड़ितों व विस्थापित परिवार से मिलकर उनका हालचाल जाना। सांसद ने बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित पंचायत मोहना चांदपुर वैशा गोविंदपुर कांतनगर व अन्य पंचायतों को लोगों के घर घर तक पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों का तकलीफ जाना। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों का दर्द व तकलीफ को देखते हुए जल्द से जल्द सरकारी सुविधाएं देने का आश्वासन दिया। मौके पर सांसद ने कटिहार जिला प्रशासन को दिशा निर्देश देते हुए बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं से अवगत कराते हुए कहा कि जल्द से जल्द बाढ़ पीड़ितों को खाने पीने की सामग्री सहित पैलोथीन चापाकल आदि की सुविधा सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने बताया पीड़ित को GR राशि को छोड़कर तत्काल अन्य सारी मदद मिलेगी। इस अवसर पर उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को आश्वस्त किया कि आप सभी को घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार के द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए जो भी सुविधाएं निर्धारित की गई है उसे हर हाल में जल्द से जल्द पूरा कराया जाएगा। मौके पर कटिहार बड़िया समाहर्ता संजय कुमार अनुमंडल पदाधिकारी शंकर शरण ओमी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता तौकीर आलम प्रखंड विकास पदाधिकारी पूर्ण शाह अंचल पदाधिकारी ललन मंडल जदयू अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह जीप सदस्य गुणसागर पासवान जदयू जिला महासचिव चंद्रमोहन सिंह जदयू पूर्व जिला अध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव डॉक्टर मुशरफ हुसैन जदयू नेता अरविंद भगत दक्षिणी भंडरातल मुखिया मोहम्मद इब्राहिम पंचायत समिति सदस्य दिनेश मंडल जदयू नेता उपेंद्र प्रसाद महतो सुभाष शाह मुकेश कुमार मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद मकबूल मुखिया अब्दुल मतीन मुखिया उमाकांत सिंह समेत सदस्य शंकर यादव जमालुद्दीन समाज सेवी मोहम्मद आदि उपस्थित थे। ये सरकार का पब्लिक को मांगे का लिखित हम एक इंटरनल हमको लगता है कि एक साल ऑप्शन लिया था अब उसमें यही होगा कि 60% हम उठना देंगे 40% देंगे तो हम लोग सरकार को सुझाव देंगे कि अगर यही 60-40 है तो राउंड करिए, ठीक है ना। मैंने ये आपको इसके लिए बोले तो ये मैंने आपको हम बताए, लेकिन वो आया बांध के भीतर में फ्लड है और गंगा जी का पानी जिस ढंग से बढ़ा था तो गंगा का तटवर्ती जितना भी प्रखंड है बिहार का सब भर प्रभावित रहा। उसी तरह से उसी क्रम में हम लोग का बरारी कुर्सेला मनियारी अहमदाबाद इसमें पानी है। पानी तो कुछ चला गया लेकिन अभी भी पानी है, लेकिन चिंता का बात यह है कि गुंडी में आपका जहां पर हम लोग खड़ा है उछला में बगल में लगभग सैकड़ों परिवार बांध पर है, उन लोग को अभी तक सरकारी कोई सहायता मुहैया नहीं हुआ है। तो प्रशासन के लोग भी SDO साहब भी मेरे साथ थे और BDO CO और भी पदाधिकारी है, तो यहाँ से जाने के बाद DM से बात करेंगे कि खास करके जो लोग विस्थापित हो गए ऐसे परिवार को पॉलिस्टिंग और रेडी फूड मिलना चाहिए GR राशि के बारे में। जो किसान का फसल क्षति हुआ है, एक तो सुखाड़ का मार पहले हम बोल रहे थे तो सुखाड़ वाला तो उसका सर्वे हो गया और किसानों को उसका अनुग्रह राशि जो है सहायता मिलेगा, और बांध के भीतर जो फ्लड से जिन किसानों का फसल क्षति हुई है उसका भी सर्वे करा करके उन लोग को भी कृषि इनपुट सहायता राशि दिलाया जाएगा। अब बात है GR राशि की, तो कुछ वार्ड हर पंचायत का 2-4-5 वार्ड करके गांव को चारों तरफ से पानी से घेरा है, कुछ परिवार पानी में भी है। तो यहां से जाने के बाद DM से बात करेंगे, ऐसे हम बात किए थे तो उन लोगों का कहना था कि फ्लड का वो स्वरूप नहीं है, लेकिन हमारा है कि जब बांध है बांध के भीतर फ्लड हुआ है तो उनको बाकी जो फ्लड का और जो सुविधाएँ हैं वो भी मिलना चाहिए।